को दे देगा। उसके द्वारा और हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ऑर्गेनिक वेस्ट या किचन वेस्ट को डायरेक्टली ड्रेनेज और बहुत सा अनगिनत बहुत सा प्रॉब्लम निकलता है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग ने बहुत सा जगह किया है और देखा गया है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पेनल्टी और गंदगी को साफ करने में हमारा भारत में नंबर वन है, तो उनका उनको हम लोग एक एग्जांपल ले के तौर पर लेते हुए हमारा ये पेनल्टी भी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जैसे जैसे अडॉप्ट किया है उस हिसाब से हम लोग अडॉप्ट किया है और इसको हम लोग ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन एक महीना का भी भेज चुका है। हमारा जो माइकिंग जितना भी गली गली में स्मार्ट सिटी का माइक लगाया है उसमें माइकिंग भी 2-3 महीना से कराया है। हमारा एफएम रेडियो एफएम में भी भेज चुका है, तो उसको आप आज आप लोगों को बताने के लिए और ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या आप लोगों को सुविधा देता है उसको बताने के लिए ये प्रोग्राम आज आया है। आप लोगों का ट्रेड लाइसेंस हो गया, आप लोगों का जो नाला हो गया, कूड़ा हो गया, ये सबको बताने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग एक दूसरे को शेयर करने के लिए आए हैं। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर को और जो पेनल्टी हमने लगाया है उसको आप लोगों को सुना देने मैं जा रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप लोग काइंडली सुन लीजिए, प्ले कर दीजिए ये ऑर्डर को, ये पेनल्टी। रिडर्सल भी है, साथ साथ में आप लोग को जो अभी फ्लायर्स बताएगा उसमें पूरा फोन नंबर्स भी है कंट्रोल रूम का, वहाँ आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसको जरूर याद कीजिएगा। और जैसे अभी हमें ब्रांड एम्बेसडर ने कहा प्रोग्राम खत्म है उसको आप लोग पढ़िएगा, लेकिन मत देखिएगा, पढ़ो उसका कुछ भी डाउट होता है हम लोग को एनी टाइम कॉल करके या ऑफिस में आके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर शेयरिंग। इतना विश्वास है कि हम लोग का जो वार्ड नंबर 17-18 इन पर्टिकुलर एंड पूरा हम लोग का जो IMC का जुरिस्डिक्शन में अभी से जो कचरा का जो प्रॉब्लम है आप लोग हम लोग का साथ देगा। आप लोग साथ नहीं देगा तो हम लोग 100 गाड़ी भी हम लोग वार्ड में रखने से काम नहीं होगा। आप लोग साथ देगा तो 1 गाड़ी में भी हम लोग का 2-3 वार्ड का काम हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि टाउन पे हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं जितना गार्बेज मैनेजमेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का टाउन के बाहर में बहुत बड़ा डिस्पोज दे दिया है। होलोंगी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका क्या आगे में क्या प्लान है उसका? देखिए मैम, आप सबका माध्यम से मैं ईटानगर का जितना जनजाति है या जितना आबादी बसता है हम सबको बता दूँ, हम लोग इतना सक्रियता हम लोग आने के बाद मशीनरी से लेके मैन पावर तक जितना सका हम लोग ने बूस्ट अप किया, तैयारी किया। अभी हाल फिलहाल में हम लोग का ये IEC सिस्टम है। IEC में ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बोल के थ्रू आउट इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मोदी का सोच है। मोदी जी ने मंत्रालय में हमारा महुआ में ऐसा प्रोग्राम बनाया और उसके बाद उस सपोर्ट को अपना हाई कोर्ट ने कोर्ट रूलिंग किया कि हम भारत देश जो है विश्व गुरु बनने के लिए अपना देश को साफ सुथरा रखना है। देश को साफ सुथरा रखने के लिए सरकारी खाली से धनराशि से नहीं होगा, पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, हर आदमी को सोच को बदलना है, सबको बताना है। ये मुहिम छेड़ने की वजह से ये हम लोग को डेल लॉन्ग प्रोग्राम कॉरपोरेटर वाइज कमिटी वाइज करके कर रहा है। दूसरा आपने जो सवाल किया अपना होलोंगी साइट में जो हम अपना सारा सिस्टम को जो लेन बना रहा है ब्रिज बना रहा है वो 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, कचरा हम यहाँ से ले तो जाएंगे, हम कचरा को कहाँ ख़त्म करेंगे? हमने गोवा वाला को देखा, द बेस्ट मैनेजमेंट इन इंटायर कंट्री इज़ द गोवा। वहाँ का सिस्टम जो इस कचरा को जो मैन्यूअर बनाना मैन्यूअर बन जाता है और जो एनर्जी में पावर में लाना पावर में बनता है, तो उस पैटर्न में हम उसको करते हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने मेरा कमिश्नर और मेरा इलेक्टेड टीम सारा ने हम लोग ने ये मिशन को हम लोग शुरू किया कि हमारा यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खड़ा होगा। यूनियन मिनिस्टर अपना किरण रिजिजू जी और हरदीप सिंह पुरी जी, पेमा खांडू जी ने यहाँ से चिट्ठी ऑलरेडी लिख दिया, हम लोग पूरा अभी मिशन मूड में है। और आप जिस चीज़ का जगह में जिक्र कर रहा है, आपको मालूम है ईटानगर में लेन मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी एक पार्टी ने वॉलेंटरीली वो लेन दिया। अभी यहाँ का हम लोग आने का साथ साथ करसिंगसा में भी बहुत प्लान भरा खड़ा हो रहा है, वहाँ भी खड़ा हो रहा है। आप बहुत यूनिक पत्रकार रहे, ऐसा जर्नलिस्ट है जो अच्छा कोई ऐसे बात को नहीं पूछा, आपने जो पूछा तो आपका माध्यम से बता दूँ, दैट इज़ द कम्प्लीट सोल्यूशन प्लेस फॉर वंस इवर।
फॉर वंस यूर कंप्लीट सोल्यूशन प्लेस, हमेशा के लिए जो समस्या को समाधान करेगा। हम लोग 40 साल के लिए 50 साल के लिए सोचने वाला लीडर लोग है, ऑफिसर लोग है, इसलिए आपने जो सवाल किया वो बहुत ही बड़ा सवाल और अच्छा सवाल है, वो परमानेंट सोल्यूशन साइड है। ओके सर, दूसरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग जो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा था उसके बारे में क्या अभी अपडेट है? ये मैम देखिए, फिर ये मोदी जी का बात आता है, अमृत 1 और अमृत 2, अमृत 01, अमृत 02। अमृत 01 का तहत में हम लोग का नंबर 1 है सीवरेज और सेप्टिक है। यहाँ मेरा ही वार्ड में पीछे अपना सीवरेज ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट पेमेंट हो गया, सेकेंड पार्ट पेमेंट अभी चल रहा है, वो कंप्लीशन स्टेज में है, अभी फुल स्विंग में काम लगा हुआ है। दूसरा आपको मैं बता दूँ मैम, ऊपर यहाँ इंडुलेटिंग है, ईटानगर अप डाउन है, इंडुलेटिंग होने का वजह से ईटानगर वाला जो सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान है तो चिंपू में वो प्लांट खड़ा हो गया, गाड़ी से घर घर से अपना जितना भी सॉक पिट ये वहाँ से सॉकिंग करके जितना भी हमारा सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक से टॉयलेट को सॉकिंग करके ले जाएंगे, फिर वहाँ में ट्रीटमेंट करेंगे, मैन्यूअर बनाएंगे। तो अभी हम लोगों के पास एज ऑफ नाउ सेवरेज प्लान यहाँ में है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 13 और 14 में एक तो किया, वार्ड नंबर 19 में एक कर रहा है, और वार्ड नंबर 20 में सेवरेज प्लान 3-2 जो है कमिंग अप है, एक चल रहा है, बाकी उधर ईटानगर में सेप्टिक प्लान इज ऑन। अब आइए दिखाएंगे। ठीक है सर, ये कब तक तैयार हो जाएगा आप लोगों का टेंटेटिव? देखिए वो तो ऑलमोस्ट ऑपरेशनल में है, गाड़ी मशीनरीज ऑन द वे फॉर सेप्टिक प्लान ईटानगर वाला, एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। अपना ये सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो लेन से जो पाइप लाइनिंग कर रहा है उसका वो पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जो खरीदने चला गया, शायद बहुत जल्दी भी ये भी ख़त्म हो जाएगा, बट वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में।